हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट फाइल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन अभी हम एक देखेंगे जो कि मेरे कुछ जूनियर्स की हैं। तो यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का एक जूनियर है, उसकी ये फाइल है जो कि हिस्ट्री की। उसने एक्नॉलेजमेंट इंट्रोडक्शन लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक हिस्ट्री प्रोजेक्ट फाइल। इस वीडियो में हम हिंदी में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी। पहले तो फ्रंट पेज बनाएंगे कि फ्रंट पेज में आप क्या लिखोगे, आपको डिसाइड करना है। नाम हो सकता है, इंस्टीट्यूशन जो भी, उसका नाम लिख सकते हो। उसके बाद आएगा प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट, जो भी आपको सर्टिफिकेट लिखना है कि सर्टिफाइड है, कि ये है टीचर्स हैं, ये सब। इसके बाद है एक एक्नॉलेजमेंट या अभी स्वीकृति कहते हैं जैसे हिंदी में, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स या अनुक्रमणिका। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपने डिसाइड करें हैं आप चाहे तो उन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर आपको सजेस्ट करे वो भी लिख सकते हैं। और टॉपिक का पहले नाम लिखना है, आप चाहें तो इसको एक पेज में भी लिख सकते हैं और एक टॉपिक बनाकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उस पर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि आप जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री की बुक से 3 चैप्टर्स लिए हैं इसने, एक बंधुत्व राज्य से रिलेटेड और दूसरा है एक उसी से संबंधित 3 चैप्टर लिए हैं, और 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था वो लिया है। तो अभी हम उसमें नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कुछ क्वेश्चंस थे द्रौपदी के सामने जो कि वहाँ दिए हुए हैं बुक्स में, वहाँ से इन्होंने डायरेक्ट ले लिए। और उपनिषद में जो माता को महत्व दिया गया था वो लिए है, और जो दुर्योधन को माता ने सलाह दी थी उसे लिया। ऐसे छोटे मोटे आप ये टॉपिक्स ले सकते हैं, एकदम डायरेक्टली आप बुक से ये टॉपिक्स उठा सकते हैं, लेकिन सारा कंटेंट कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक एक कुछ कुछ टॉपिक्स की कुछ कुछ लाइन से यदि आप देखें तो इनबॉक्स दी होती है, उसको इसने इस तरह लिखने का प्रयास किया है कि जो स्त्री का जो गोत्र होता है उसे, इस स्त्री के विवाह के जो नियम होते थे उस टाइम, 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें ऊपर वाले बॉक्स में इन्होंने बंद करने की किया। इसके बाद यहाँ हस्तिनापुर के बारे में उन्होंने बताया कि जो हस्तिनापुर है उसके विस्तृत वर्णन लिखा है, छोट लिखा है कि वो कहाँ पे थी, मेरठ में थी, और 1951 में इसको खोदकर बीबी लाल ने निकाला, इस तरह थोड़ा बहुत लिख दिया। अब नेक्स्ट है संपत्ति से संबंधित जो स्त्रियों के अधिकार थे, 8 प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह जो एक स्त्री है वो एक धन का संग्रह कर सकती, वो सब यहाँ दिया है। और हम्पी की खोज वगैरह आ जाता है, ये थर्ड बुक का एक चैप्टर है, सेकेंड बुक का। कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप डायरेक्टली जो बॉक्स में दी हो इनबॉक्स इंफॉर्मेशन वहां से डायरेक्टली उठा सकते हैं। और ये विजयनगर साम्राज्य का है सेकेंड चैप्टर, आपके टीचर जैसा बोले आपको वैसा करना है। जैसे कि इस स्कूल में कहा गया था कि इन्हें 3 टॉपिक पर बनाने, तो 3 चैप्टर लिया उन्होंने इसने और उठाकर बना दिया। तो आप भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, आप भी कोई भी 3 टॉपिक्स, मैं कहूँगा आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा NCERT का ही कंटेंट लें, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में यहाँ से उन्होंने पूरा एकदम बुक जल संसाधन दिया है, वो पूरी तरह बुक से ही उन्होंने उठा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं विद्रोही और राज। इसमें पूरा जो है 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिख दिया उन्होंने, और डायरेक्टली पूरा ये NCERT से। आपको ऐसा नहीं करना, आप चाहे तो गूगल या यहाँ वहाँ की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह आप अपना जो प्रोजेक्ट फाइल है उसे बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please share the video as much as possible with your friends, or you can share with your classmates or any other who is studying in class 12. Please share the video as much as possible. So at last, again, thanks for watching the video.